घर से घसीटकर गले में गमछा लगा हुआ और धक्कम धुक्की करते हुए, जिसमें कि उसका फाटक भी भसक गया है, धक्कम धुक्की घींचते हुए, चढ़ाव था ना गमछा ऐट के ऐठ दिया घींचते हुए। हमारा तो ये कहना है गलत ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर ने दिया है, चूँकि पुलिस और पोस्टमार्टम डॉक्टर मिली भगत से रहता है, मायागंज के अंदर उसमें भी SP कह दिया होगा, कलेक्टर कह दिया होगा, पहुँचते हैं। और मारने वाला व्यक्ति दारू पी के उनको मारा है, जो गया था पकड़ने वो दारू पिए हुए मूड में था, तब बेरहमी से मारा है उनको, पुलिस दारू पी हुई थी तब वैसे मारा है उनको। अब गले में किसी को गमछा लगा के ऐठ के कस दिया, उसकी बेटी को डांटा गाली। बोले विधायक गोपाल मंडल, पुलिस ने दारू के नशे में सरकारी कर्मचारी की कर दी हत्या। अपने बोल के कारण हमेशा सुर्खियों में रहने वाले भागलपुर के गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल ने बरारी थाना क्षेत्र के मायागंज निवासी सिंचाई कर्मी संजय यादव की पुलिस कस्टडी में हुए मौत को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि पुलिस द्वारा दारू पीकर गले में गमछा डालकर घसीटे जाने और गलत जगह मारे जाने के कारण संजय यादव की मौत हुई है। गोपाल मंडल ने अपने ही सरकार के प्रशासनिक पदाधिकारी पर डॉक्टर से मिलकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलवाने का भी आरोप लगाया है। इस दौरान गोपाल मंडल ने यह भी कहा कि नीतीश सरकार में बिहार में पूर्ण शराब बंदी है, पर सभी पुलिस वाले शराब पीते हैं। कहीं ना कहीं जदयू विधायक ने अपने ही सरकार के शराब बंदी पर सवाल खड़ा करते हुए सरकारी मुलाजिम के द्वारा सरकार को बदनाम करने की साजिश करार दिया है। जदयू विधायक ने जिस तरह अपने ही सरकार के मुलाजिम पर सरकारी कर्मचारी का दारू पीकर हत्या किए जाने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदले जाने की बात कही है, गोपाल मंडल ने इस बयान के बाद सरकार और जिला प्रशासन क्या अगला कुछ कदम उठाती है यह देखने वाली बात होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाए? बुलाए मैं थाने में गया जी। ये भीट में जो कुंज यादव है उनका हत्या हुआ, संजय यादव जी का, उसी ख्याल से हम तो अस्पताल से निकले थे, पत्रकार लोगों ने बयान ले लिया तो लगा उनके परिवार को परिजन को कि अलू जरूर बयान दे दिया, तो अलू जरूर बयान नहीं दिए थे, हम सही बयान दिए थे। लेकिन जब ये सुने कि कुछ से कुछ बोल रहा है, तो फिर हम गए थाना, थाना से खबर लेने के लिए कैसे कैसे हत्या हुआ ये हम पूछने के लिए गए। लेकिन जाने के बाद वहाँ पर कोई नहीं है, हमारे बॉडीगार्ड ने, हमारे सहयोग ने बोल रहे हैं विधायक जी आए निकलिए, कोई निकलिए, कोई नहीं निकला, कोई नहीं आया। 20 मिनट के बाद तब वहाँ पर आते हैं कौन, जो मजिस्ट्रेट के रूप में जिला के माध्यम से भेजा गया है वो मजिस्ट्रेट साहब आए, उसके बाद कोई सिपाही नहीं। तब उसके बाद एक मुंशी जी, चूँकि रेड में मुंशी जी अच्छे आदमी हैं, वो रेड से आए हुए थे तो सोए हुए थे, उठ के आए, तब उन्होंने हम लोगों को चाय दिया, बिस्कुट दिया, खातिरदारी किया, पूछते रह गए। तो वो लोग बोला कि नहीं, थाने से ऐसा कोई बात नहीं है, उनको नहीं मारा गया है, कुछ नहीं किया गया, आराम से बुला के वो नेचुरल घटना घटी है। हम बोले क्या नेचुरल घटना? तब तो आ गया नहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कहीं कुछ नहीं, तो ऐसा ही मर गया, आप हाजत में लाए ऐसा ही मर गया, नहीं कुछ नहीं, तो हमको विश्वास हो गया हो सकता है। लेकिन जब उनके परिवार के निकट गए, जब रोना शुरू कर दिया, उनको घर से घसीट कर गले में गमछा लगा हुआ और धक्कम धुक्की करते हुए, जिसमें कि उसका फाटक भी भसक गया है, धक्कम धुक्की घींचते हुए, चढ़ाव था ना गमछा ऐठ के ऐठ दिया घींचते हुए। हमारा तो ये कहना है गलत ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर ने दिया है, चूँकि पुलिस और पोस्टमार्टम डॉक्टर मिली भगत से रहता है, मायागंज के अंदर उसमें भी SP कह दिया होगा, कलेक्टर कह दिया होगा, पोस्टमार्टम नॉर्मल करो। उनकी हत्या गला दबाने से हुआ है और मारते आया है, बॉक्सिंग कुंडी सब कुछ। और जब गए वहाँ पता करने के लिए, तो कर्मचारी था बाका में, ड्यूटी करते थे माइनर रिलेशन में, वो चाबी दिखाए, उन्होंने अपना सब कुछ दिखाया, पेपर तेपर सब, नौकरी करते हैं, वो दारू नहीं पीते हैं। और मारने वाला व्यक्ति दारू पी के उनको मारा है, जो गया था पकड़ने वो दारू पिए हुए मूड में था, तब बेरहमी से मारा है उनको। और एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, आदरणीय नीतीश कुमार दारू पिए, पुलिस दारू पी हुई थी तब वैसे मारा है उनको। अब गले में किसी को गमछा लगा के ऐठ के कस दिया, उसकी बेटी को डांटा गाली गुलज, क्या चोदी तुम जाओ घर, आखिर किस मूड में अब लड़की को गाली दें, जवान लड़की को ढकेल दिया उसको फाटक के भीतर, अब किसी के पिताजी को घसीट के ले जा रहा है उसमें तो जरूर बोलेगा ना बेटी। ये बात हमारा ये कहना, दारू पी का आदरणीय नीतीश कुमार ने दारू बंद किया, लेकिन दावे के साथ मैं कहता हूँ कोई पुलिस पदाधिकारी नहीं है जो दारू नहीं पीता है, बगैर दारू पिए वो काम करता ही नहीं है। और ये सरकार को बदनाम करने का साजिश है,
आज हमारी सरकार पर उंगली उठेगी। ये गरीब निरी जिसके घर पर छप्पर नहीं है, और वो भी अगर झंझट किसी से होली में हुआ था तो इधर ने किसी को पकड़ के जाके किनारे में पुल के निकट जाके पकड़े। हम देखे गए एकदम किनारे में, उनका घर है, उनकी बेटी भड़क गई, उनको बोले हम कोई ऐसा बेटी बयान नहीं दिए हैं, तुम मेरी बेटी हो ऐसे मत बोलो। हम बयान को बदलने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, हम कोई गलत बोल ही नहीं सकते। और एक बात सत्य है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सत्य बोलता हूँ, जो बोलता हूँ मैं करता हूँ। इसलिए हम पर नाराज रहते हैं कि सरकार के विरुद्ध गोपाल मंडल बोलते हैं, सरकार के विरुद्ध हम नहीं बोलते हैं, सरकार के पक्ष में बोलते हैं। जब हमारी सरकार 2005 में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे, सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री बने थे, उस टाइम में अस्पताल में इसमें थाने में कागज कलम नहीं रहता था, वो थानेदार अगर एक पन्ना लिखना है तो 5 कार्बन एक जिस्ता कागज मंगवाता था, 2 कलम मंगवा लेता था, ये करता था। और उसमें भी बगैर रुपया लिए 1000-2000 लिए नए FIR करता था। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आते वक्त पैसवा बंद हो गया और जिस्ता बंद हो गया, कागज कलम रखने लगा, बढ़िया से 5 साल तक काम किया। 5 साल के बाद कुछ तो फिर चला, उसके बाद भाई क्या कहें, सरकारी मुलाजिम भाग गया है। मेरे सरकार को नीतीश कुमार को ये क्या कहा जाए, बदनाम करने के लिए ये तय कर लिया है, चाहे ब्लॉक की बात हो, विकास की किरणें कहाँ से फूटती है, ब्लॉक से फूटती है। हमारा ब्लॉक भ्रष्ट है, CEO BDO ख़त्म है, कर्मचारी ख़त्म है। और एक बात कह देना चाहते हैं, भूल जाएंगे उसे, हम पटना जाने के पहले किस दिन कुणाल जी हो जी। किस दिन बोले थे हम दरोगा को, परसों बोले थे, परसों जो तारीख हो परसों, तो हम ये बोले दरोगा को, उन्होंने कोई फसल काट रहा था, वो बोया था गरीब लोग, और साहू जी पुलिस भेज दिया, वहाँ पर पुलिस आके वो कटनी करने वाले मजदूर को मारना शुरू कर दिया। हमको फ़ोन किया, हम दरोगा को बोले भाई क्या कर रहे हैं आप, कहीं क्यों मार रहे हैं, कटनी काट रहा है तो नहीं, ऐसे काट रहा है, लूट बटोर नहीं कर रहा है, वो तो जो बोया है उन्होंने जन को लगाया, मारते क्यों हैं, हम डांटे उसको, मारते क्यों, हाँ बोलिए हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बोलिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब बताइए जनप्रतिनिधि विधायक, मेरे से विधायक को ये दरोगा कहे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गाली दे देते, कुछ बोल रहे थे, वो बोला रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये कहानी है स्थिति, इतना बहका हुआ पुलिस है, इतना बहका, हर थानादार दारू पीता है, कोई पुलिस महकमे के लोग नहीं है जो दारू नहीं पीता। हम लोग सरकार है, आप क्या कर सकते हैं इसके लिए? अरे हमारी सरकार है, हम तो माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री का नज़र इधर आकर्षित करना चाहते हैं, कान खोलना चाहते हैं। आप मुख्यमंत्री जी, पुलिस प्रशासन शराब पीते हैं, यानी कि शराबबंदी पूरी तरह से है, पूरी तरह से बंद है, चोर चोरी करने से जाएगा, डकैती बंद है, सब कुछ बंद है, जबरदस्ती होता है वो बंद है, लेकिन लुके छिपे तो काम करता है। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का कान बंद है? कान बंद नहीं है, मुख्यमंत्री का कान खुला हुआ है। अच्छा। क्या कारण है कि ध्यान नहीं पड़ रहा है? हम तो विधायक दल के बैठक में बोलेंगे, मेरे ऐसे व्यक्ति को इस्माइलपुर के दरोगा पासवान जी दारू पी के 9 बजे हमसे बोला, आप बोलिए हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो दारू पिए हुआ था पासवान जी, इस्माइलपुर थाना का प्रभारी। और मेरे ऐसे जो हमारे इलाके में पुलिस साहब है वो कहे, बोलिए विधायक जी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर, जितना बोलना बोलिए। आप ये कह रहे हैं कि शराबबंदी पूरी तरह सक्सेस है, और ये भी कह रहे हैं कि पुलिस बिना शराब ही पीती है, हमारा ये कहना, गाजा बंद है ना पूर्ण रूप से, नहीं सवाल तो पूछिए ना, वही पर आते हैं, गाजा बंद है पूर्ण रूप से, गाजा का तस्करी चल रहा है, तो कहाँ चोर को पकड़े फिरेगा, चोरीनों की तो होता है, ये बॉर्डर सील कर दिया है, हर बॉर्डर जहाँ से आता है सील कर दिया गया है, शराब बिल्कुल, शराब का दुकान बंद है, लेकिन चूड़ी छिपे। और एक बात कह देना था, सरकार का गाइडलाइन है, जितना आदेश देगा दारू बनाने का उतना ही बोतल तैयारी होगा, लेकिन ट्रक का ट्रक आता है, वो डुप्लीकेट दारू जिससे बीमारी फैलेगा, बहुत लोग मरेगा ये डुप्लीकेट दारू पीने वाला। आपकी सलाह क्या है कि सरकार को क्या करना चाहिए दारूबंदी पे? सरकार तो लगी हुई है, पुलिस महकमे के लोग भी पकड़े जाते हैं तो वो भी जेल जाते हैं, अरे लगी हुई है सरकार, भाई हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग पकड़ा रहे हैं, सरकार पकड़वा रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन वही दारू रख के अपना दारू पीते हैं।
लाठी डांग चलाते हैं, अलू जरूर बकते हैं। थोड़ा मनीष कुमार का दुकान एक खुला हुआ है नहीं है इसलिए। और जी के मामले पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत हुआ है, उनका गला घोटने से कुब्बी मुक्का लात जूता अंडकोश में लात लगने से उनकी हत्या हो गई है, गला दबाने से उनकी हत्या हो गई है। और थाने तक प्रेम से लाए, थाने में मर गया, अस्पताल में गया मर गया। सो क्या रोग था भाई, स्वस्थ आदमी थे, अधेड़ उम्र के अभी थे, अब मरने वाले नहीं थे। हाँ गरीब भले जरूर थे, देह पर वस्त्र नहीं था, बेरहमी से पीटा गया। वो गुहार लगा रहे हैं, देखिए हम कर्मचारी हैं मैनेजेशन का, हे देखिए चाबी सब मेरे पास है, हे देखिए हमारा ये है वो, कुछ नहीं माना चूंकि दारू पिए हुए था पुलिस ना। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आपके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने लिख लिए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं उनको 20 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। सर थाना गए हुआ है, आप लोग मारे हैं लेकिन बोला नहीं ये बात नहीं वो बात। और एक बात कहना चाहता हूं, जिनके आदेश पर यहां का ये एसपी है कि सिटी एसपी है नहीं कर सकते, उन पर कोई कार्रवाई नहीं, उन्होंने आदेश दिया था पकड़ के लाओ, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? यानी आप आरोपी किसको मानते हैं इस मामले? अरे पुलिस को मार आरोपी मांगते हैं, पब्लिक को मानेंगे? पुलिस में कौन एएसपी? वो नहीं पुलिस, उन्होंने जो सिटी एसपी हो या एसपी हो जो हो, उन्होंने आदेश दिया, उनके आदेश के बल पर जाके पुलिसों ने घसते हुए लाया। और मैं कहता हूँ दारू पी के घसीट के लाया है, क्या तुक था किनारे से मारते आ रहे हैं, बूट पहना हुआ दे रहे हैं कहाँ अंडकोश में लगा, कंठ दबा हुआ है, बोल पा रही है, उनके बेटी को धक्का दे के भगा दिए, ये कर दिए, दारू पी के उन लोगों ने पीट पीट के उनको मार दिया। और ये पुलिस से मिली भगत से डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नॉर्मल बना दिया, नेचुरल मर्डर, नेचुरल मर्डर है, नेचुरल मर्डर घरे में क्यों नहीं मर गया? ये सब सारी बात झूठ है। हम आग्रह करता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी से, चूंकि प्रधानमंत्री को भी वोट यही ना देते हैं यही पब्लिक ना, हमको कौन देते हैं यही पब्लिक ना, ये बात है। एमपी बन के जाते हैं प्रधानमंत्री बनते हैं, हम विधायक बन के जाते हैं हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं, कौन देता यही पब्लिक ना। सरकार कौन है? सरकार है यहाँ की पब्लिक, बिहार की जनता, हिंदुस्तान की जनता। जनता मुखातिब हुआ तो ठीक है सरकार बन गई, जनता बिगड़ गई तो गई। हम लोग भाई, हम लोग को उतना पावर नहीं है, हम करें तो क्या करें, मेरा खून खौल जाता है। उस गरीब आदमी को मार दिया और बेसहारा हैंड टू माउथ हो गया, कैसे खाएगा? मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि तब तक उनकी पत्नी को पानी पिलाने में बहाल किया जाए, जब उनका बेटा का उम्र है 16 साल, जब उनका उम्र होगा उनको अनुकंपा के आधार पर नौकरी दिया जाए, ये मेरा कहना है।